हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटालिक मटेरियल्स किसे कहते हैं। मेटालिक मटेरियल्स में हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया था फेरस मटेरियल्स और नॉन फेरस मटेरियल्स में। फेरस मटेरियल में हम लोग फर्दर देखे थे कास्ट आयरन और स्टील, और कास्ट आयरन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। कास्ट आयरन क्या होता है, उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट आयरन का वो प्रॉपर्टी है वो किन कारणों से है। कास्ट आयरन में जैसा कि हम लोग जानते हैं वो एक एलॉय है आयरन और कार्बन का, और उसके साथ साथ कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में अदर एलिमेंट्स भी, मैग्नीज, सल्फर, सिलिकन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो कास्ट आयरन का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज देखा था वो प्रॉपर्टीज जो है इन्हीं प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ सिलिकन, प्रेजेंट ऑफ फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, इन सभी एलिमेंट्स प्रेजेंस के वजह से ही उसका प्रॉपर्टीज कुछ उस तरह का है। तो अगर कास्ट आयरन को देखें तो वो प्योर आयरन से बिल्कुल अलग होता है। उसका प्रॉपर्टी प्योर आयरन से बिल्कुल अलग है। जो हमने डिस्कस किया था, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी अलग है, इसका कास्टिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी अलग हो जाता है, यानी कि बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमारा प्योर आयरन का और कास्ट आयरन का बहुत ही अलग हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है, तो ये डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में क्योंकि आयरन के अलावा कास्ट आयरन में और भी डिफरेंट मटेरियल्स यानी डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं के वजह से इनका प्रॉपर्टी जो है वो प्योर आयरन से डिफरेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट आयरन में जो प्रेजेंट है आयरन के अलावा मटेरियल्स एलिमेंट्स, उनका कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज पे क्या असर होता है। तो स्लाइड के हेल्प से अब हम समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ एलॉयिंग एलिमेंट्स इन कास्ट आयरन, यानी कि क्या इफेक्ट होगा इन एलिमेंट्स का कास्ट आयरन में। अगर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो प्रॉपर्टीज कास्ट आयरन का क्या डिफरेंट होगा या वेरिएशन कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज में आएगा। तो कास्ट आयरन में आयरन तो एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट हो ही जाता है, उसके अलावा जो मेन एलिमेंट है उसमें वो है कार्बन। कार्बन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कास्ट आयरन, यानी कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कास्ट आयरन में, क्योंकि कार्बन के ही क्वांटिटी से हमें पता चलेगा वो कास्ट आयरन किस तरह का कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन में भी डिफरेंट टाइप्स के कास्ट आयरन होते हैं, तो वो कार्बन के ही परसेंटेज पे डिपेंड करेगा किस तरह का कास्ट आयरन है। प्योर आयरन हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, बट आयरन विथ 3.5% कार्बन हैज मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 1350 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेल्टिंग पॉइंट कास्ट आयरन का बहुत ही कम होता है, यानी ऑलमोस्ट अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, पर वही प्योर आयरन का हम देखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है। तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है प्योर आयरन के कंपेरिजन में, क्योंकि हमारा कास्ट आयरन में कार्बन का प्रेजेंस है, और ये कार्बन के प्रेजेंस की ही वजह से कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर आयरन के मेल्टिंग पॉइंट से कम हो जाता है। तो कास्ट आयरन में हम लोग देखते हैं कि कार्बन परसेंटेज कम से कम 2% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही हम बोलते हैं वो कास्ट आयरन है। तो यानी कार्बन का परसेंट अगर 3.5% से ज़्यादा है तो उस कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1350 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी 1500 से घटकर वो 1350 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप देख, थर्ड इफेक्ट है जो कार्बन प्ले करता है कास्ट आयरन में, वो है व्हेन कार्बन इज इन फ्री फॉर्म ग्रेफाइट रिजल्टिंग कास्ट आयरन इज ग्रे कास्ट आयरन, एंड व्हेन कार्बन इज इन सेमेंटाइट फॉर्म व्हाइट कास्ट आयरन इज फॉर्म। अगर हमारा कार्बन जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा कास्ट आयरन में, यानी एज अ ग्रेफाइट प्रेजेंट है हमारा कास्ट आयरन में, ग्रे कास्ट आयरन कहलाता है। लेकिन वही कार्बन अगर आयरन के साथ कॉम्बाइंड फॉर्म में यानी सेमेंटाइट फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर वही कास्ट आयरन जो है वो व्हाइट कास्ट आयरन बन जाता है। कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा कास्ट आयरन में, इससे हमारा डिफरेंट डिफरेंट तरह के कास्ट आयरन फॉर्म कर जाते हैं। यानी अगर कार्बन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है, वही कास्ट आयरन जो है ग्रे कास्ट आयरन बन जाता है, यानी एक अलग तरह का कास्ट आयरन बन जाता है, उसका अलग प्रॉपर्टीज होता है। और वही कार्बन अगर सेमेंटाइट के फॉर्म में यानी आयरन और कार्बन का बॉन्ड बना के Fe3C के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है, सेमेंटाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो डिफरेंट तरह का कास्ट आयरन बना देता है, और वो कास्ट आयरन कहलाता है व्हाइट कास्ट आयरन, जिसका प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही डिफरेंट होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन से। जब हम लोग टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन देखेंगे, ग्रे कास्ट आयरन किसे कहते हैं और व्हाइट कास्ट आयरन किसे कहते हैं।
नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सिलिकन। सिलिकन के प्रेजेंस से कास्ट आयरन का किस किस प्रॉपर्टी पे इन्फ्लुएंस आता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो पहला है प्रेजेंट अप टू 3%, यानी सिलिकन जो है वो मैक्सिमम 3% तक प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 3% ही प्रेजेंट होगा, हो सकता है 1% भी हो, 1.5% भी हो, 2% भी हो, 2.5% भी हो, इस तरह से मतलब। लेकिन मैक्सिमम वो कितना प्रेजेंट हो सकता है, 3%। तो ये निकालते कैसे है कि 3% तक, क्या 3% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो 3% से ज्यादा वो हो जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए सिलिकन के प्रेजेंस से, हमें जो प्रॉपर्टी मिलता है कास्ट आयरन में वो नहीं मिलेगा, बल्कि और अपोजिट मिल जाएगा। सिलिकन की वजह से अगर हमें सॉफ्टनेस मिल रहा है तो वो 3% से ज्यादा अगर हम डालते हैं उसमें तो वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, वो फिर पता चला कि धीरे धीरे मटेरियल और हार्ड होने लग गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। सेकंड है फॉर्म फ्री ग्रेफाइट एंड मेक्स आयरन सॉफ्ट। सिलिकन का प्रेजेंस से हमारा फ्री फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो है अवेलेबल हो पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि हमारा कास्ट आयरन जो है, मटेरियल जो कास्ट आयरन है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि सिलिकन के प्रेजेंस से हमारा कास्ट आयरन में सॉफ्टनेस का प्रॉपर्टी आता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस साउंड कास्टिंग फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स, यानी कि सिलिकन के प्रेजेंट होने से कास्ट आयरन का कास्टिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा हो जाता है। साउंड कास्टिंग प्रोड्यूस करता है जिसमें ब्लो होल्स बिल्कुल भी पाए नहीं जाते। ब्लो होल्स एक डिफेक्ट है कास्टिंग का, जो कि अनवांटेड चीज है, जो कास्टिंग करते समय हम नहीं चाहते हैं हो, तो सिलिकन के प्रेजेंस से वो अनवांटेड ब्लो होल्स है वो हमें नहीं मिलेंगे। कास्ट आयरन का जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है उसमें यही सारे प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि कास्ट आयरन में हम लोगों ने देखा था कि वो गुड कास्टिंग यानी कि साउंड कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग कास्ट आयरन मटेरियल से। तो देखिए ये सिलिकन ही है जो हमारा हेल्प कर रहा है, कास्ट आयरन को एक बेहतर कास्टिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा जिसका इफेक्ट देखेंगे हम कास्ट आयरन पे, वो है मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है, मेक्स कास्ट आयरन व्हाइट एंड हार्ड, यानी कास्ट आयरन को ये व्हाइट बनाता है और हार्ड बनाता है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि री फॉर्म ऑफ कार्बन के वजह से ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट ग्रे कास्ट आयरन बन रहा है और सॉफ्टनेस उसमें आ रहा है, कि मैग्नीज के प्रेजेंट होने की वजह से आयरन कास्ट आयरन जो है वो व्हाइट हो रहा है और हार्ड हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन जो है सॉफ्ट तरह का कास्ट आयरन मटेरियल है, और हार्ड और व्हाइट कास्ट आयरन जो है वो थोड़ा हार्ड मटेरियल है। मैग्नीज जो है उसको हम लोग ऑफन कैप्ट बिलो 0.75%, यानी कि 0.75% से मैग्नीज को हम लोग कम रखते हैं, क्योंकि हमें हार्डनेस का प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं चाहिए होता है कास्ट आयरन में। मैग्नीज को 0.75% से हमेशा कम रखते हैं, क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन पहले ही से एक हमारा ब्रिटल और हार्ड मटेरियल है, उसमें कार्बन कंटेंट पहले से ही 2% से ज्यादा है, यानी कार्बन परसेंट ज्यादा होने से ऐसे ही हमारा कास्ट आयरन जो है काफी ज्यादा हार्ड है, और भी एक्स्ट्रा कोई मटेरियल ऐड करके उसको हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमें किसी एप्लीकेशन में थोड़ा सा हमें उसमें सॉफ्टनेस ऐड करना है, तो हम सिलिकॉन मटेरियल को थोड़ा सा एडिशन में बढ़ा दे ताकि वो सॉफ्टनेस ऐड कर दे, पर हमारा हार्डनेस का ज्यादा प्रॉपर्टी हमें लेना नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही हार्ड है। तो इसीलिए हम मैग्नीज को ज्यादा नहीं, 0.75% ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस, जिसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे अब कास्ट आयरन पे। रेयरली अलाउड टू एक्सीड 1%, यानी फॉस्फोरस भी है जो 1% से ज्यादा अलाउड नहीं होता है कास्ट आयरन में। हम लोग कंट्रोल करते हैं कि इसका एडिशन जो है 1% से हमेशा कम हो। एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूडिटी इन कास्ट आयरन। तो फॉस्फोरस के प्रेजेंस से क्या होता है कि कास्ट आयरन को फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूडिटी मिलता है, मतलब फ्लूडिटी और फ्यूजिबिलिटी का मतलब है कि जब हम कास्टिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो मॉल्टन मेटल है वो इंट्रिकेट, यानी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग तक, या अगर छोटा डिजाइन है, शार्प एजेस है, तो हम चाहते हैं कि वो फुल्ली ऑक्यूपाई कर ले वो मॉल्टन मटेरियल, वो पूरा मोल्ड को बिल्कुल। तो वो कब होगा, जब हमारा फ्लूडिटी होगा मटेरियल में। तो यही फॉस्फोरस एलिमेंट है जो हमारा कास्ट आयरन में फ्लूडिटी का प्रॉपर्टी ऐड करता है, जिसके वजह से हमारा मेटल जो है बहुत आसानी से फ्लो कर पाता है एजेस तक और हमें बेटर कास्टिंग मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग वही देखेंगे, यूजफुल फॉर कास्टिंग ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन एंड चीप कास्टिंग, यानी कि कास्टिंग में हमारा काफी ज्यादा फॉस्फोरस हेल्प करता है। इंट्रिकेट कास्टिंग यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का, या स्मॉल ओपनिंग्स है, एजेस है, वैसे अगर कास्टिंग प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है
तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस जो है वो कास्ट आयरन में वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि कास्ट आयरन से हम लोग बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन या इंट्रिकेट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और ये बहुत ही चीप कास्टिंग होता है। चीप और ये चीप कास्टिंग भी इसलिए रिजल्ट करता है, मैंने बताया था आपको कास्ट आयरन का मटेरियल जो है काफी सस्ता होता है, मटेरियल से कास्टिंग जो है हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है, साउंड कास्टिंग होता है कास्ट आयरन का। तो हम कह सकते हैं कि हम आसानी से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग एक बहुत इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फर। तो सल्फर जो है वो शुड बी केप्ट बिलो 0.1%। देख सकते हैं आप लोग कितना कम अमाउंट, 0.1% से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इससे बिलो 0.1% से भी कम हम सल्फर का एडिशन करते हैं अपने कास्ट आयरन में, या फिर कास्ट आयरन में उसका प्रेजेंस 0.1% से भी कम रखते हैं, ताकि उसका जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन का वो हमें मिल सके। तो आप देख सकते हैं इससे कि सबसे कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा जो है आयरन जो है प्रेजेंट होता है, और उसके बाद कार्बन प्रेजेंट होता है 2%, 3%, 4%, और उसके बाद आप देख रहे हैं जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 1%, 0.1% से भी कम, या फिर 2%, 3%, मैक्सिमम इतना तक ही वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सल्फर के प्रेजेंस से कौन सा इन्फ्लुएंस होता है हमारा प्रॉपर्टी कास्ट आयरन का, मेक्स द कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल। तो यहाँ पे भी सल्फर भी जो है कास्ट आयरन को हार्ड और ब्रिटल बना रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हार्ड और ब्रिटल तो हमें ज्यादा प्रॉपर्टी ऐड नहीं करना होता है, तो हमें सल्फर ज्यादा ऐड नहीं करना है हार्ड और ब्रिटल बनाने के लिए, क्योंकि हमारा पहले से ही कार्बन के प्रेजेंस से ही हमारा कास्ट आयरन जो है हार्ड और ब्रिटल होता है। टू मच सल्फर गिव्स अनसाउंड कास्टिंग, और ज्यादा सल्फर के प्रेजेंस से हमारा कास्टिंग भी इन्फ्लुएंस होता है, जो शेप था डिजाइन था कुछ अलग था, और हमारा वैसा डिजायर प्रोडक्ट ठीक से बन नहीं पाया, उसमें ब्लो होल्स रह गए या फिर कास्टिंग डिफेक्ट जो है उसमें आ गया। तो हम लोग अगर ओवरऑल देखें तो सल्फर हमारा मटेरियल को हार्ड बना रहा है, और मैग्नीज हमारा भी मटेरियल यानी कास्ट आयरन को हमारे हार्ड बना रहा है, यानी सल्फर और मैग्नीज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा कास्ट आयरन को हार्ड और ब्रिटल बनने में। पर हमारा जो कार्बन अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हमें सॉफ्टनेस का प्रॉपर्टी ऐड करेगा, या फिर सिलिकन अगर प्रेजेंट है तो वो भी हमारा कास्ट आयरन में सॉफ्टनेस का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोगों ने इफेक्ट्स देख लिया अदर एलिमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज पे। अब हम लोग देखेंगे कि कास्ट आयरन कितने तरह के होते हैं, और अब हम लोग टाइप्स को समझेंगे जो कि हम लोग अब बेटर समझ सकते हैं आयरन का प्रॉपर्टीज तरह से है, तो वो किस एलिमेंट के प्रेजेंस के कारण ऐसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कास्ट आयरन के कितने टाइप्स होते हैं। कास्ट आयरन जो है बेसिकली फोर टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला टाइप है हमारा वाइट कास्ट आयरन, दूसरा टाइप्स है ग्रे कास्ट आयरन, थर्ड है मैलिएबल कास्ट आयरन, एंड फोर्थ है एसजी कास्ट आयरन। एसजी कास्ट आयरन का मतलब है स्फेरॉइड ग्रेफाइट कास्ट आयरन, या फिर इसे ही हम बोलते हैं नोडुलर कास्ट आयरन, यानी नोडुलर कास्ट आयरन भी हम इसे बोलते हैं। तो कास्ट आयरन में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं ग्रे कास्ट आयरन किसे कहते हैं। सबसे पहला ग्रे कास्ट आयरन, ए लो कॉस्ट मटेरियल डेट कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस। बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल होता है ग्रे कास्ट आयरन। जनरली अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट इकोनॉमिकली बहुत ही हमें कॉस्ट का ध्यान रखना है तो वो प्रोडक्ट को हम लोग ग्रे कास्ट आयरन से बनाएंगे, क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन जो है बहुत ही चीप मटेरियल होता है। ग्रे कास्ट आयरन में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका क्या कंपोजिशन है, किस किस रेशियो में वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारा ग्रे कास्ट आयरन में प्रेजेंट है कार्बन, जो कि कार्बन परसेंटेज 3 से 3.5% तक कार्बन का प्रेजेंस हमारा ग्रे कास्ट आयरन में होता है, क्योंकि सारे कास्ट आयरन में 2% से तो ज्यादा ही होंगे, तो हमारा ग्रे कास्ट आयरन में 3 से 3.5% तक कार्बन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट है सिलिकन, सिलिकन का प्रेजेंस 1% से लेके 2.75% तक प्रेजेंट होता है ग्रे कास्ट आयरन में, यानी ग्रे कास्ट आयरन में इसके बीच का अगर सिलिकन प्रेजेंट है तो वो ग्रे कास्ट आयरन के लिए ठीक है। उसी तरह मैग्नीज, मैग्नीज का प्रेजेंट 0.4% से 1% तक मैक्सिमम हो सकता है, यानी 0.4% से 1% के बीच में मैग्नीज प्रेजेंट है तो ठीक है, वो ग्रे कास्ट आयरन के लिए एडेक्वेट अमाउंट है। फिर है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमारा 0.15% से 1% तक मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर, सल्फर जो है हमारा 0.02% से 0.15% तक मैक्सिमम हो सकता है, और बाकी जो बच गए एंड द रेस्ट इज आयरन, यानी कि जो बाकी बच गए वो हमारा आयरन रहेगा, उस
कास्ट आयरन में, क्योंकि कास्ट आयरन में ये सारे एलिमेंट्स के अलावा और दूसरा एलिमेंट कोई प्रेजेंट नहीं होता है। आयरन प्रेजेंट होगा, सिल्कन प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा या फिर मैग्नीज प्रेजेंट होगा। तो ये सारे का कंपोजिशन जो है वो हम लोगों ने देख लिया। और ये सारे डाटा जो है कास्ट आयरन के, वो थोड़ा बहुत बुक टू बुक थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, पर अप्रॉक्सीमेटली, ज्यादा तो कुछ याद इसमें नहीं करना होता है कि हर एक का परसेंटेज हम रट लें, पर कार्बन का परसेंटेज हम बस याद रखें कि कार्बन जो है इतना परसेंटेज प्रेजेंट है इसमें, यानी कि 3 से 3.5% तक अगर हम याद कर लें कि कार्बन का प्रेजेंस होता है हमारे ग्रे कास्ट आयरन में, वो भी हमारे लिए काफी होगा। द ग्रे कलर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कार्बन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। तो जो ग्रे कलर है हमारा कास्ट आयरन का, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कलर जो हमारा कास्ट आयरन में प्रेजेंट है, वो इसीलिए प्रेजेंट है ग्रे कास्ट आयरन में क्योंकि हमारा उसमें कार्बन प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में, यानी कि ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन, क्योंकि इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और वो देखने में ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रे कास्ट आयरन का, इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये तो हम लोगों ने कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज में ही देखा था कि कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अगर 100 मेगा पास्कल था तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 400 मेगा पास्कल था, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 4 गुना यानी फोर्थ टाइम्स था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपेरिजन में। तो इसीलिए तो ग्रे कास्ट आयरन में भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कम होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्रे कास्ट आयरन का वो काफी ज्यादा होगा। एंड नो डक्टिलिटी। नो डक्टिलिटी कहने का मतलब है कि डक्टिलिटी भी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, एबसेंट होगा। मटेरियल को अगर खींचेंगे, फोर्स देंगे, तो इलोंगेट वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज ऑलरेडी 2% से ज्यादा है, जिसके कारण कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी जो है काफी ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। तो उसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट कैन बी इजली मशीन, यानी इसकी मशीनिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी ग्रे कास्ट आयरन का मशीनिंग भी आसानी से कर सकते हैं। कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था, तो उसमें देखा था कि कास्ट आयरन में का जो है मशीनिंग, रोलिंग या कास्टिंग प्रोसेस, ये सब जो है बहुत आसानी से कास्ट आयरन पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रे कास्ट आयरन पे और अदर जो है व्हाइट कास्ट आयरन है, नोडुलर कास्ट आयरन है, मेलिएबल कास्ट आयरन, उसके कंपैरिजन में ग्रे कास्ट आयरन पे मशीनिंग का प्रोसेस और भी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जो है सॉफ्ट है, इसीलिए हम इजिली मशीन कर सकते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन इज दैट द फ्री ग्रेफाइट इन इट्स स्ट्रक्चर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। यानी कि जो फ्री ग्रेफाइट प्रेजेंट है हमारा ग्रे कास्ट आयरन में, वो बहुत ही एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है। वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है अगर किसी भी स्ट्रक्चर में लगा देते तो, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं ग्रे कास्ट आयरन से, तो वो सेल्फ लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी, यानी कि वो एक स्लिपरी टाइप का सरफेस हमें देखने को मिलेगा, तो स्लाइडिंग बहुत आसान हो जाता है उस एप्लीकेशंस में जहाँ स्लाइडिंग का प्रॉपर्टी है, वहां पे बहुत ही हमारा ग्रे कास्ट आयरन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो जहां भी पार्ट्स हमारा स्लाइडिंग मोशन में है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में है, वहां पे क्या होगा, ग्रे कास्ट आयरन का अगर मटेरियल से हम लोग फॉर्म करते हैं उस कंपोनेंट को, तो वो बहुत ही अच्छा से स्लाइड कर पाएगा। लुब्रिकेशन अगर कम भी प्रेजेंट है, फिर भी वो मटेरियल जो है वो सेल्फ लुब्रिकेट करेगा, मटेरियल का सरफेस लगेगा वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ग्रे कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मशीन टूल स्ट्रक्चर बेड फ्रेम्स, हमने बताया था कल कि बेड फ्रेम्स जो होता है मशीन टूल्स का, यानी कि लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, तो ये सारे सेपर मशीन हो गया, तो ये सारे मशीन्स का बेड जो देखेंगे या फिर फ्रेम देखेंगे, वो सारा कास्ट आयरन का बना होता है, वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन का इसीलिए बना होता है क्योंकि वो डैम्पिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा ग्रे कास्ट आयरन शो करता है या कास्ट आयरन शो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा गैस और वाटर पाइप्स फॉर अंडरग्राउंड पर्पसेज। जो गैस या वाटर का पाइप्स होता है वो हमारे अंडरग्राउंड पर्पस के लिए जो यूज होते हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। थर्ड है सिलेंडर ब्लॉक्स इन आईसी इंजन। तो अभी मैंने बताया आईसी इंजन के सिलेंडर ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो मोशन में होते हैं, स्लाइडिंग मोशन होता है उनके बीच, तो अगर वो ग्रे कास्ट आयरन के बनाते हैं तो सेल्फ लुब्रिकेंट की तरह वो मटेरियल का सरफेस जो है एक्ट करेगा, जो कि हमें एडवांटेज प्रोवाइड करेगा।
थर्ड है पिस्टन रिंग्स, फोर्थ है फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे ग्रे कास्ट आयरन के। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। आज हमने ग्रे कास्ट आयरन को डिटेल में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाइट कास्ट आयरन किसे कहते हैं, नोडुलर कास्ट आयरन किसे कहते हैं, मैलिएबल कास्ट आयरन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मटेरियल साइंस का आगे का लेक्चर्स देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।